हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राम राम। कैसे हो? ठीक हो? सो फ्रेंड, कैसे लग रहे हैं मेरे बाल आप तो कमेंट में बता दियो। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कटवाने पड़े मेरे को थोड़े थोड़े बाल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मिस्त्रियों ने कैसा काम किया है। ये तो फाइनली तैयार हो गया था, मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। इतनी फिनिशिंग आई है, बहुत ही ज्यादा सफाई से काम किया है इन लोगों ने। पहले वाले मिस्त्री लगे थे ना, उन्होंने तो इसकी टेप भी नहीं उतार रखी थी, बहुत ही घटिया काम कर रखा है। और सबके सब जितने भी कब्जे लगे हुए थे, जितने भी कुंडी थी, सब खराब हो गई थी, फिर से हम ठीक करवा रहे हैं इनसे। ज्यादा ठेके पे दिया हुआ था हमने काम, कभी भी आप काम करवाओ तो दिहाड़ी पे करना। ये देखिए कितने बड़े बड़े ड्रॉर बनाए हैं इन्होंने, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये देखिए बहुत बड़े बड़े बन गए, देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा बनाया है। अभी लाइट लगनी बाकी है इसके अंदर। फिनिशिंग देखो कितने ज्यादा है इनके काम में, और ये देखो बहुत ज्यादा है। और ये अलमारी की देखो, बिल्कुल कच्ची भी नहीं उतार रखी थी उन मिस्त्रियों ने इसकी। अब इनका ये काम था जो, वो तो हो गया है। अब मैं ना इसके अंदर वो और करवा रही हूँ, दीवार में छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं, पट्टियां लगवा रही हूँ ताकि ये फोटो टंग सके। अब फोटो तो ऐसे ही रख रखी थी मैंने, ये एक दो लगा रखी थी बस। अब इस शीशे का भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे लगाना है, मिस्त्रियों का काम हो गया। एक ये भी लगानी है, देखो ये सारी जितनी भी फोटो थी ना सब लगा दूंगी अब तो। और ये एलईडी देखो अच्छी लग रही है ना, अब देखो कितनी सुंदर दिख रही है। क्योंकि ये क्या होगा ना, ये जैसा आगे दिखा देती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है। देखो फ्रेंड कितना अच्छा काम किया इन्होंने, तब इतनी ज्यादा रौनक है इस रूम में। अब वैसे दिख रहा पड़ा काम, चक्कर भी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा दिख रहा है काम। ये है इनका काम, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए अच्छा कहा जाएगा, और जो बुरा काम करेगा उसके लिए बुरा कहा जाएगा। ये देखिए, इसमें देख लीजिए आप दूर से कितना अच्छा काम किया है। और इस साइड लग गई मेरी फोटो, ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। ये मिस्त्री अंकल है, बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। मैं आपको ना इनका नंबर दे दूंगी दोस्तों, जिसको भी काम करवाना है ना वो इनसे कांटेक्ट जरूर करना। और बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है, ये मत सोचना कि ये प्रमोशन है, मैं प्रमोशन वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरे घर में अच्छा काम किया है तो इसीलिए मैं अच्छा बता रही हूँ। देखो ऐसे सारे कमरे बिजी हो रहे हैं, देख लो आप कैसे बिजी हो रहे हैं सारे कमरे, हमें तो बैठने नहीं दे रहे सारे कमरे, इतना सामान दे रहा है सारे कमरे में। अभी यहाँ पर जितने भी ये प्लेट्स पड़ी है ना, सब की सब उधर लगाऊंगी। अब हमें 2-3 दिन लग जाएंगे सफाई करने में। और ये वाला भी देखो, अब ये देखो यहाँ पे लाइटें लगेंगी चूर, देखो बहुत मस्त हो जाएगा। एक एलईडी पैनल ये यहाँ पर बनवाया है। इसमें आपको क्या लग रहा है कितना वजन होगा? बहुत ज्यादा वजन है इसमें। इंडिया टिकटॉक स्टार है, मैं स्टार हूँ, बहुत वेट है इसके अंदर। अब खा लेते हैं खाना फ्रेंड, खाना नहीं खाया आज मैंने। तो फ्रेंड हमने मिस्त्रियों के जितने भी पैसे बन रहे थे सब हिसाब कर दिया है, वो अभी चले गए हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अब पूजा ने चाय बना दी, मिस्त्री गए थे ना उनको चाय पिला के भेजा है, और ये चाय तो मेरे तो ठंडी होगी। ऐसा पता नहीं क्या आफत आ गई है, ऐसा खराब सा हो गया है मेरा फेस, पता नहीं क्यों खराब सा हो गया है। तेरे को दिख रहा है मेरा फेस खराब हो रहा है? हाँ? ऐसे ये सफेद व्हाइट व्हाइट ये दिख रहे हैं निशान। बहुत तेज बारिश आ रही है बाहर, काफी दिन की जड़ी लगा दी है राम ने तो। इधर भी गंद फैला रखा है, उधर भी फैला रखा है। मिस्त्री क्या लगे वही, ये वाले तो हट गए। अब बिजली वाले जो है, बिजली का रह गया थोड़ा सा काम बस, बाकी तो हो ही गया है। मम्मी सोफे धोन ला रहे हैं, सोफे धुआओ। सोफे में बहुत दिनों की मिट्टी हो रही थी ना, सोफे की ड्राइक्लीन होने ला रही है दोस्तों। वो देखो मशीन है ना, ये देखो कौन सी मशीन है, ये गिफ्ट में मेरे घर भेज दी हूँ, ठीक है। सॉरी माफ करो, ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। ये मिस्त्री आए हुए हैं इसकी ड्राइक्लीन करने के लिए। हमारे बरवाड़ा में ऐसे ऐसे मतलब कारीगर बैठे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था, आज पता चला, वो भी दूसरे मिस्त्री ने जिक्र किया तब पता चला। हम तो खाम खाई बैठे थे, हमें पता होता ना कि ये ऐसे साफ करने वाले भी होते हैं तो हम कब का बुला लेते, आज पता चला। चलो इस चीज का नॉलेज आई आज, हमारी नॉलेज बढ़ गई है आज से, कुछ सीखने को मिला है ना भाई। भाई राम राम कर दो इन्हें, बैग भी उसका। ये साफ कर दिया है देखो, इसकी डैकिंग हो चुकी है, कितना चमक रहा है देखो, बिल्कुल साफ कर दिया ही। इतनी मोटी हो रही थी इसके अंदर, देख लो जी इतनी मटोड़ चढ़ रही थी इसके अंदर,
मटोड मतलब मिट्टी चढ़ी हुई थी इसके अंदर। मम्मी इस तरह लग रहा है तो ब्याह की सफाई करवाने लग रहा है ना। ब्याह है मंजीत का, मंजीत का ब्याह। हाँ मेरा भी। हाँ दोनों का ब्याह। मम्मी ने आज मेरी पहली बार पपड़ी ले लिया है। फ्रेंड मेरे को बड़ी खुशी हो रही है सच्ची में, जाके आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ये सोफा भी साफ कर दिया और वहाँ पे भी बहुत ज्यादा अच्छी लाइट जग रही है। बहुत मिस्त्री आए हुए लाइट जगा रहे। बाहर बारिश आ रही है और यहाँ पे देखो काम चल रहा है। हम लोग तो इतना बिजी हो रहे हैं आज के दिन तो हमने रोटी भी 4 बजे खाई है। अब टाइम क्या हो गया, अब टाइम देखो जी 7:15 हो गए। अब चाय बना रही हूँ। ये यहाँ पे दूध गर्म चढ़ा दिया है। आजकल हम दूध ज्यादा लेके आ रहे हैं क्योंकि देखो मिस्त्री लगे हुए हैं ना, बार बार चाय बनानी पड़ती है और यहाँ पे हमने चाय चढ़ाई है। आज तो ना हमारे घर में कोई चीज नहीं पड़ी खाने के लिए। पूजा को बोल रही हूँ मटर लिया, मटर लिया। वो गाइस सारे साफ कर दिए हैं, बस वो लास्ट है जहाँ पे वो लगे हुए हैं और सारा साफ हो गया है। सोफा बिल्कुल फ्रेश नया हो गया है और मैं इधर बना रही हूँ चाय। अपनी चाय बनने वाली है वो लोग। देखो फाइनली सोफे जो है साफ हो गए हैं। पास जाके दिखा, एक मिनट पास आ जाए। दोबारा फ्लैश लाइट चसाइए, देखिए काला बंदा गाती होगी फिर। एक के छिड़ गया फोन में, स्नैप ऑन ला रही हूँ मैं। काला आदमी तो होना है ना चाहिए। दोबारा फ्लैश लाइट चसानी पड़ रही है। इसकी भी बुझ गई। देखो ये पिल्लू जो है ये भी साफ हो गए बिल्कुल, पर गिल्ले हैं अभी थोड़े। जानबूझ के खड़े कर रखे हैं ताकि ये साफ रहे, मतलब हवा लग सके, सूख सके। ये देखो कितना नया हो गया। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना नया भी हो सकता है। बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने तो, मस्त काम किया है। हाँ तो गाइस दिखाते हूँ मैं आपको क्या हो गया। एक तो सामने वाला देखो, ये तो लाइट दिख रही होगी बहुत अच्छी दिख रही है ना। मिस्त्री इस पे लगा हुआ है अभी, बिजली वाला वो तो चले गए। ये देखो लाइट कैसी लग रही है, कितनी अच्छी दिख रही है। मेरी तरफ कर रखा है पूजा ने कैमरा, मेरी तरफ इसलिए कर रखा है क्योंकि मैं चमक रही हूँ ना। आज बाल मैंने भी सीधे करवा लिए, मैंने खुद की भी सुधार करा और मेरे घर का भी सुधार किया अच्छे तरीके से। अभी तो रह गया जी देखो, कई कई जगह से ना पेंट जो उतरने लग गया। ये देखो इसमें ना, इसमें पता है क्यों उतरा है, क्योंकि जिस टाइम हमने वो बनाया था मुहूर्त था उसी टाइम ये गिल्ले पे पुट्टी जो है करवा दी थी, तो इसी वजह से खराब हो गया। उन्होंने सोचा इस पर गदाका लग गया। गदाका मतलब डह पड़ा, गिर पड़ा, गिर गया। यह लाइट लगा रखी है, लाइट जगानी चाहिए। अच्छा दिख रहा है काम तो अच्छी लग रही। आप ही के फोन पे लगेगा जितने बोल रही हूँ। अब ये एलईडी जो पुराने वाली थी ना, जो उधर लगी हुई थी वो उतार के रख दी थी, अब ये इधर लगेगी ड्राइंग रूम में। मम्मी देखो कैसे बंदरी की तरह बैठी है। ये तो है ही हमारा बंदर। बंदर नहीं है, मिठू है। मिठू मिठू। गाइस अब ले आया है मंजीत पिज्जा। ये मेरे को पतली नहीं होने देता, ये जानबूझ के लेके आता है और वो पूजा भी जानबूझ के लेके आती है। तो मैंने इसको बोला कि तू खा बहन, अब खाओ मत बहन, मैं खा लूंगा कोई दिक्कत नहीं। तो सामने खाऊंगा तो मेरा तो जी करेगा ना खाना है। मैं कर ले मैं रही है कैमरा पर कितनी बेसरम बस। ओके फ्रेंड वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यही पेंडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। मेरे भाई को फिर ज्यादा ही परेशानी होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है मेरी वीडियो। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, ख्याल रखियो अपना। और मेरे को पता है आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी ये सब कुछ करवाने की। आज ये काम कंप्लीट हो गया, कल सफाइयां वगैरह होगी और सोफे वगैरह जो है ऐसे ही पड़े, अभी तो गिल्ले है ना, तो कल लगाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही था। और मेरे से अगर कोई वीडियो बनाने में, ब्लॉग शूट करने में गलती सलती हो जाती होगी, होती होगी, सभी से होती है जी, लेकिन फिर भी अगर मुझसे भी गलती हुई है ना तो कान पकड़ के हम तो सॉरी बोल रहे हैं हाथ जोड़ के।